फोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड वो 1870 में पैदा हो गए, वो 1937 में इसकी डेथ हो गई है। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया है, जे जे थॉमसन के बाद मॉडल दिया है, इस मॉडल में इसने क्या बताया है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया है। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक थिन फॉयल है जिसमें हीलियम अल्फा पार्टिकल्स बम्बार किए गए, जो अल्फा पार्टिकल्स बम्बार किए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है कि जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स बम्बार किए गए हैं, किस पे गोल्ड फॉयल पे। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो ये क्या है, ये एक्चुअली हीलियम एटम्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम एटम होते हैं। तो जब ये बम्बार हो गए तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि वो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दे पासड थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी जो भी इसने पार्टिकल बम्बार किए हैं तो सारे पार्टिकल जैसे एटम पे, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी वो अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से आए, जिस पाथ से ट्रैवल हो गए, उसी पाथ से सीधे स्ट्रक हो गए। कहां, किस पे स्ट्रक हो गए, गोल्ड फॉयल पे। तो इससे पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई है, यानी एटम की जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस है। ये कौन सी क्लास है सर? ये जो क्लास है क्लास 11 है, क्लास 11 मेडिकल स्टूडेंट है, तो इनको मैं आज यहाँ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा रहा हूँ। सर जब से यहाँ पे शुरू हुई है, इंस्टॉल हुई है ये लैब, इससे आप थोड़ा बताइए नटशेल में कि स्टूडेंट को कौन सा फ़ायदा हुआ है इससे? जो आईसीटी लैब है इससे बहुत सारा फ़ायदा मिला है बच्चों को, क्योंकि एक टीचर को बहुत सारी डिफिकल्टी होती है कि वो जो आईसीटी लैब है इससे बहुत सारे फ़ायदे हो गए हैं। इसमें ये फ़ायदा है कि जो चीज़ें हम वहाँ क्लासरूम में बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स है, यहाँ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, इसमें कैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, तो इनको बच्चों को अच्छी तरह से सिखाने के लिए इन चीज़ों का हमें आईसीटी लैब में ये जो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, इस स्मार्ट बोर्ड की वजह से हम उनको अच्छी तरह से सिखा पाते हैं कि कैसे ये 3D एनिमेशन हैं, इनके ज़रिए से सिखाते हैं कि इस ये जो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना होता है उनको आराम से सुनते हैं, आराम से ये सीखते हैं, इस स्मार्ट बोर्ड की वजह से बहुत आराम से ये सीखते हैं। न्यूक्लियस है तो जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एटम के बीच में है उसकी वजह से। एक मिनट सर, आपका नाम क्या है बेटा, आप खड़े हो जाए। आप किस क्लास में हो? क्लास 11। कौन सी एडवांटेज आपको दिखी है इस आईसीटी लैब में, और ये किस नज़रिए से आप देखते हो? जो आईसीटी लैब यहाँ पर कायम की गई, ये बेसिकली समग्र स्कीम